सर, तरीका वारदात इन मुल्ज़िमों का क्या होता था? ये टैक्सी ऑनलाइन ड्राइवर के तौर पर सामने आते हैं, मोहल्लेदार भी देख रहे होते हैं, अच्छा जी उबर जा रही है, ऑनलाइन टैक्सी किसी फैमिली ने मंगवाई है कॉल करके, लेकिन ये उसकी आर में वारदातें कर रहे हैं। इनका तरीका वारदात के हवाले से मुझे बताएं कि पहली वारदात इन्होंने कब की थी और किस तरह की थी और बाद में किस तरह कर रहे थे? पहली वारदात तो ये जो भाब है, इसने वारदात इस तरह से की कि पढ़ा लिखा है, इसने ऐड देखा कि ड्राइवर की ज़रूरत है, ये उस फैमिली के पास बतौर ड्राइवर चला गया। वहाँ पे वो फैमिली बाहर से आई थी, वो दो माह डेढ़ माह यहाँ पे रहे, उसके बाद वो वापस चले गए। उस दौरान ड्राइविंग की जॉब उनके पास करते हुए इसने उनकी गाड़ी की चाबी भी बनवा ली, उनके घर के लॉक्स की चाबियाँ भी बनवा ली। वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, उसके बाद ये उनके घर की गाड़ी यूज़ करता रहा, ये उनके घर को यूज़ करता रहा। अब होता ये है कि जो फैमिली बाहर गई थी उनमें से उनका एक अजीज़ जो है वो बाई चांस वहाँ पर घर आया, ऐसे ही देखने के लिए, उनका भी घर का चक्कर लगा लीजिएगा। वो जब देखने आया तो उनके घर की गाड़ी घर के अंदर मौजूद नहीं थी। उसने कॉल करके बताया, वहाँ से फिर कुछ मौलेदारों ने बताया कि जी आपका ड्राइवर आता था गाड़ी, तो वो लेकर के हमने उसको ले जाते देखा है। पहली दफ़ा वहाब जो है उस केस में पकड़ा गया वहाँ पर, उस FIR में, इससे गाड़ी भी रिकवर हो गई। फिर इसने स्टोरी बताई, इसने कहा जी कि मैं दोस्तों के साथ, मुझे घूमने का शौक़ था, हम कभी कभी दोस्तों के साथ जो है घूमते हुए आउट ऑफ सिटी भी चले जाते हैं इसी गाड़ी के ऊपर ही। वहाँ से ये जेल गया, जेल से ये दोनों साथी बने। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुराने ऊबर में सवारी से बात कम्युनिकेट करते हुए ये उनके हालात जांच लेता था कि ये कितना टाइम गुजारेंगे। सेकंड ये करते ये थे कि अगर इसको सवारी कोई नहीं मिली है, इसने एक सोसाइटी में रैंडमली इसने घूमना शुरू कर दिया, घूमने के दौरान ये देखते थे कि घरों को बाहर से ताला लगा हुआ क्या नहीं, जिस गेट को घर को ताला नजर आ जाता था वहाँ पे जो वहाब था जो गाड़ी ड्राइव करता है ऊबर की, ये वहाँ से उतरता था, जाके बैल देता था, बैल देकर आकर के सदीक को बताता था कि भाई वहाँ पे मैंने बैल दिया, कोई बाहर नहीं आया। सदीक जो था फिर ये दरवाज़ा फलांग के जाता था या दीवार फलांग के अंदर चला जाता था। अंदर जाने के बाद अंदर से जो जो आपके पास औजार पड़े हुए हैं, ये औजार पड़े हैं जी, पिस्टल भी पड़ा हुआ है, इनसे ये ताले तोड़ते थे या खिड़की की जो रेलिंग्स होती हैं उनको तोड़ देना, जालियों को तोड़ के अंदर एंटर हुए, सारा सामान वहाँ से चोरी किया। और फिर इसकी एक बड़ी जो, जहाँ से हम इसकी तरफ चले थे ना, इसकी एक आदत है, आदत यह कि जिस घर में ये वारदात करता है, वारदात करने के बाद ये सारा का सारा सामान उनके घर से एक गुलाब ले लेता है तकिए का, ठीक है, उस तकिए के गुलाब में सारा सामान डाल लेता है और वहाँ से ये चोरी करके लेके जाता है। लोगों का ध्यान नहीं इस तरफ जाता, ठीक है, चूँकि हमें पहले भी हम सुनते रहते हैं स्टोरीज दूसरे तफ्तीशी हजरात से, पुलिस के हमारे जो जवान होते हैं उनसे हमारा डिस्कस होता रहता है क्राइम के मुतल्लिक, किस किस्म का क्राइम कौन कर रहा है, कौन लोग हैं, किधर से करते हैं। ये तकिए वाली एक हमें इनकी बात चली थी, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम बताते हैं उन्हें कि जब आप अपने घर से जाएँ तो आप क्या क्या हिफाजती मैयर्स लें, आप अगर ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो कम हिफाजती मैयर पर बात करेंगे। इधर आओ भी, क्या नाम है? वहाब, कितना पढ़े हुए हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो आप घरों की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये औजार के साथ घरों का सफाया कर रहे हैं, किसने आपको कहा कि घरों का सफाया करना है और फिर आपने इन पैसों का कहाँ पर ज़िया करते थे? कहीं पे भी नहीं जी, बस ऐसे। ऊंचा बोलो सर। इनके साथ में मिला था जी, वहाँ पे जेल में जी, वहाँ पे इनके साथ मुलाकात। जेल में क्यों गए थे पहले ये बताओ मुझे, जेल में क्यों गए? जेल पुलिस ने अभी अंदर कर दिया आपको? नहीं सर, जैसे सर ने बताया कि मैं घर में जॉब करता था जी, फैमिली बाहर की थी, ठीक है, वो बाहर चली गई जी, उनकी गाड़ी में यूज़ करता था, तो उनके डुप्लीकेट कब बनाई उनको पता भी नहीं चला? डुप्लीकेट गाड़ी की चाबी बना ली, फिर घर की ताले की चाबी बना ली? नहीं जी, उनको नहीं पता चला। उनको नहीं पता चला? नहीं सर। वो कितने माह रहे घर पे? वो तकरीबन दो ढाई तीन माह रहे जी। दो ढाई तीन माह के लिए बाहर से, बिरूने मुल्क से फैमिली आती है लाहौर, लाहौर में वो दो माह रहाइश अपनी रखते हैं, उसके बाद फिर वापस बिरूने मुल्क चले जाते हैं। ये ड्राइवर के तौर पर वहाँ पे दो माह काम किया और इसने काम करने के दौरान सिर्फ रैकी की है, घरों की चाबियाँ डुप्लीकेट बनाई हैं, गाड़ी की चाबी डुप्लीकेट बनाई है, फिर आप पकड़े गए? जी, फिर मैं पकड़ा गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद जेल चले गए जी, वहाँ पे फिर इनके साथ मुलाकात हुई है जी, इन्होंने बताया। किसके साथ मुलाकात हुई है? ये सदीक जी। अच्छा, इसने फिर बताया कि इस तरह हम, मतलब वहाँ पे बैठ के बात होती थी, तो इन्होंने कहा जी इस तरह हम वारदात करते हैं पहले भी, तो उसके बाद जी वहाँ से फिर बाहर आए हैं, तो बाहर आके फिर ये मेरे से पहले आ गए थे, मैं बाद में आया हूँ, आके फिर तकरीबन महीने के बाद इनसे मुलाकात हुई है जी। अच्छा, मुलाकात के बाद फिर आगे ये वारदातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये पिस्टल किसने लिया था? ये पिस्टल मेरे नहीं है जी, उसका सदीक है। हाँ जी सर, सदीक का पिस्टल है।
हाँ जी सर, मेरा पिस्टल नहीं है, मेरे पास कोई औजार नहीं था जी। कोई औजार नहीं था? नहीं सर। ठीक है जी। आप फिर वारदातें करने लग पड़े, जेल में दोस्ती होगी आपकी। जी सर। तो आपको पता नहीं था कि वो किस लिए आपको तैयार कर रहा है, शहरियों को लूटेंगे? डर नहीं लगता था, खौफ नहीं आता था कि फैमिली के सामने भी आपको अगर पता चल जाए कि आप ये काम करते हो, लोगों के घरों का सफाया करते हो, नकदी कीमती सामान से महरूम कर रहे हो, डर नहीं लगता था कि फैमिली वालों को पता चल जाएगा, आपको भी सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा दोबारा? जेल जाने के बाद भी सुधरे नहीं हो आप। सर गलती हो गई है जी, आखिरी दफा शायद। कितनी वारदातें की अब तक? मैंने जी इसके साथ मिलकर तकरीबन कोई 9-10-11 के की हैं जी। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के तौर पे कब से काम करे? जेल आने, जेल से बाहर आए जब रहा हो के? नहीं जी, वो मैं पहले से ही कर रहा हूँ जी। पहले से ही कर रहे? हाँ जी। कितने साल हो गए ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के तौर पर आप तकरीबन गाड़ी चला रहे हो? 2-2.5 साल हो गए। दो ढाई साल हो गए हैं। तो फिर आपने कितनी वारदातें की अब तक? सर पहले नहीं करते थे जी। अच्छा, पहले बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं था। ये जब जेल से बाहर आए हैं, इसके साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि ये ही अंदर जाता था। क्या इसने प्लान किया आपके साथ? किस तरह जेल में प्लान हुआ कि वारदातें करेंगे? ऑनलाइन टैक्सी का जिक्र कैसे हुआ? सर जब जेल जाते हैं वहाँ पे जी, मतलब ये भी वहाँ पे थे, मैं भी वहाँ पे था, तो वहाँ पे इनसे इसने फिर बताया कि मतलब भी इसने पूछा कि तुम किस चीज़ में आए हो। मैंने बताया कि इस तरह हुआ है। तो फिर वहाँ पे एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या कौन किस जुर्म में आया है, कौन किस जुर्म में। तो वहाँ पे जी इसके साथ मुलाकात हुई, फिर इसने पूछा बाहर क्या करते हो क्या नहीं। वो मैंने इसको बताया कि मैंने कहा इस तरह मैं पढ़ता हूँ, साथ ये ऊबर चलाता हूँ। तो वहाँ से जी आगे तो इसने कहा कि ऊबर चलाते हो तो फिर वारदातें करेंगे, मैं तुम्हारे साथ चला जाया करूँगा। बस वहाँ पे तो नहीं बात हुई जी, बाहर आए हैं, फिर तकरीबन महीने के बाद इसकी मेरी फ़ोन पे बात हुई है। कैसे आपको नंबर याद रहा? जेल में तो फ़ोन नंबर भी नहीं था ना कोई सेव करने का। दिल में सेव कर लिया नंबर आपने, इरादा कर लिया था जेल में कि बाहर निकल के मैंने इसको कॉल करनी है, इसका नंबर याद रखा, फिर इसके साथ वारदातें की, फिर आप कहते हो कि मैं माफी मांग लूंगा नंबर सर। जब पैसे सामने आ रहे हो तो फिर आप वारदातें करते चले जाते हो, जब पकड़े जाते हो तो माफी तलाफी, मैं आइंदा नहीं करूंगा, ये कौन से बहाने आपके? नंबर सर इनके इसके बाद था, इसने मेरे से रابطہ किया था, मेरे पास नहीं था। अच्छा, तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनसे मिला हूं जी। तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप जी जमींदारा करते थे। जमींदारा करते हैं? हाँ। उन्हें पता है आप वारदात करते हो? नहीं जी। नहीं पता? नहीं जी। चलो आप उधर जाओ और उसे भेजो उधर। अच्छा सर, ये कहता है कि मेरे माँ बाप को नहीं पता, क्या अब दुराने तफ्तीश इनके वालदैन को बुलाया गया क्या? आपका बेटा ये काम कर रहा है, ये काम करने के दौरान इतने लोगों को नदी से, देवरात से, कीमती सामान से महरूम कर दिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमने उनको कॉल करके बताया था कि इस तरह से आपका जो बेटा है वो इस तरह से वारदात करते पकड़ा गया है। एक बाप क्या करेगा जी, वो परेशान हुआ, रोया पीटा और नहायत तकलीफ में था, और वो बीमार है। साहब का वो गवर्नमेंट सरकारी मुलाजम भी रहा है, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है वो, इस वक्त सख्त परेशान था। उसने कहा कि मैं इसके पीछे ना पैरवी करूँगा ना मैं जाऊँगा, मतलब तकलीफ में था वो। बहुत शदीद तकलीफ में क्यों ना हो, उसने इतने पैसे लगाकर इसको पढ़ाया लिखाया, इसको इंजीनियर बना दिया, ये फिर काम करने की बजाय फिर कम वक्त में ज्यादा पैसा जोड़ने के लिए, ज्यादा पैसा खाने के लिए फिर इसने क्रिमिनल के साथ दोस्ती बना ली। ऐसे ही अब वो शदीद तकलीफ में है बाप, वो पैर भी नहीं करना चाहता, इसके पीछे है ही नहीं है। हाँ, ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? सदीक जी। सदीक, सदीक बताओ पहली वारदात कब की, क्यों की, जरूरत क्या पड़ी थी? सर पहली वारदात 2010 की थी। अच्छा, 2010 के वारदात की थी, फिर वारदात करते रहे, फिर फड़े गए से सर, फड़े गए जेल चले गए सर, जेल वापसी आए, फिर कोई सर वापसी का कोई चक्कर नहीं है, फिर वारदात शुरू ही रखनी है, शुरू कर देती है। हाँ जी। डर नहीं लगा कि हूं मैं बाहर जाऊंगा, हूं नहीं करना, क्योंकि जेल की जिंदगी बड़ी आवाज है? नहीं सर, एक दो दफा मैं नजायज भी गया आया। अच्छा, नजायज गए हुए? हाँ जी। ठीक है, फिर की अंदर प्लान किया? फिर दोबारा सर जो मैं नजायज गया जेल, फिर मैं दोबारा नहीं हटा, फिर मैं करता ही रहा। फिर करते रहे? हाँ जी। किरे किरे घर लुटिया, कोई सिलेक्टेड घर होंगे सन, सोसाइटियां पोश इलाके होंगे? हाँ जी सर। लाहौर तो बाहर भी जाते थे? नहीं सर, लाहौर बाहर नहीं जाते सर। एक करी फड़िया जरूर गया मैं, लाहौर बाहर किसी फराटिए नाल गया चला सर, तो ओदी वजह तो मैं फड़िया गया सर। ठीक है, चोर किसी फराटिए नाल चला गया? हाँ जी सर। एमी? हाँ जी सर। तुम चोर हो? हाँ जी सर। ठीक है, 2010 च वारदात शुरू हुई, पहली वारदात च घर दे विचों किन्ने मालियत दा समान चुराया? तकरीबन सर 8-9 लाख दा सर।
जेवर से, जेवर से सर। ये 2010 की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। 2010 में 9-10 लाख करोड़ों के बराबर था, ऐसे ही है? हाँ जी सर। अब तो महंगाई ज्यादा हो गई है, रेट बढ़ गए, तो आपने 9-10 लाख रुपए का क्या किया, क्या शौक पैदा हुआ था? वारदात मैंने पूछा था, करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या घर में फाके चल रहे थे? फाके चल रहे सर, कमाने वाला कोई नहीं, वड्डे यही है, हाँ वड्डा भरा को नहीं कमाता, तो यही फिर जितने जवान हो काम कुम थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं गुजारा होंगे। 9 भैन भरा सा, तो वो वजह फिर मैं सर यह काम किया। तू 9 भैन भरावान का वड्डा भरा था? नहीं सर, मेरे तो वड्डे है, 2 3 है वड्डे। वो की करते? वो वेले सर एक नशा करते, एक पारजे गाया, वो हाथ पैर नहीं काम करते। ठीक है। ओ, ते ओ, एक दी शादी गंदे बंदे नहीं, ओ गंदे बंदे सर? चंगे नहीं, चंगे ने सर, चंगे ओ नहीं करते सर यहोजा काम। एक दी शादी होगी वड्डे दी, वो अपना लैदा हो गया, ओ मेरे तो वड्डा जेड़ा ही वो भी, ओदी भी शादी हो गई, वो भी लैदा हो गया, फिर मैं ही रह गया बाकी सर। उन्होंने कितनी वारदातें कर चुके हो आप सर? गिनती च कोई नहीं है, मैं तुम्हें झूठ बोला, नहीं आ रही, मैं तुम दसागे, मैं तुम झूठ बोला, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तकरीबन लमसम कर लिए किनिया को कितनी होनी है, 400-500 तो उत्ते कितनी है? नहीं सर, मेरे ख्याल 40-50 वारदातें जैन माने गिनिया करिया। 40-50 वारदात? हाँ जी सर। ते इस तो बाद? इस तो बाद सर नहीं, बिचो नहीं भी करते रहे, बाहर चला गया, कराची चला जाता रहा हाँ, उत्थे फिर बड़ी देर रह के आया, नहीं कीतियां कराची जाके, कौन नहीं कीतियां। ठीक है, मफरूर हो जाते थे पैसे लेके कराची जाके, की करते थे वो पैसे? कबाड़िए का काम किया सर उत्थे जाके। पैसों का की किया? घरों लुटते थे? कबाड़िए का काम किया सर उत्थे जाके। उत्थे जाके कबाड़िए का काम किया? ठीक है। ते कोई पार्टियां पुड़ियां भी कीतियां? नहीं, पार्टियां पुड़ियां सर को नहीं कीतियां। खाना पीना खाता? खाना पीना तक खादा सर। की खादा? की शौक पहले पूरा किया कि जरा नहीं मिलता पे? कपड़े का शौक पूरा किया, खान पीन का शौक पूरा किया सर। कपड़े अच्छे पांदा शौक थी? हाँ जी। ते खाना भी अच्छा खांदा शौक थी? हाँ जी। घरों नहीं मिलता थी? नहीं सर, जो चले कराची गए फिर घर वाले तो इतने रह गए ना। घर वाले इतने रह गए? तू कह थी कि मैं घर वाले ना कोई कमाने वाला नहीं थी? नहीं, वारदात करनी शुरू उन्होंने जो मैं, तू कला छड़ गया जो पैसे आए तेरे को? नहीं, वारदात के पैसे आए वो सर विच घरदियां भी इस्तेमाल करवाते रहे। की प्लान बनाया सी तू? उनका नंबर किवें याद रखा? सर लिख के दिता ही नंबर इन्हें। अच्छा, नंबर लिख के दिता सी? किवें अंदर पेन भी सहूलत होंगी? हाँ जी, सहूलत होंगी पेन की। हाँ जी सर। अच्छा, तो पेपर भी दे देंगे? हाँ जी सर। उन्होंने फिर सेव किवें रख लेंगे हो कोल? सर जेब च रहा नंबर, जेब च जो रिहाई होंगी उदो जेब च ही आ जाता फिर। अच्छा, तो जेब फिर आके जो ये रिहा हो फिर मैं ये तकरीबन 1 महीने तो बाद कॉल की। सबसे बड़ी वारदात ये भी रिहा होगी? कहाँ की? सब तो बड़ी वारदात सर एक्सरीज की थी। एक्सरीज? एक्सरीज? हाँ जी। अच्छा, इतनी शदीद सिक्योरिटी के डर नहीं लगा? सर ही रहायशी तकरीबन उधर दे गए। उधर दे रहायशी? हाँ जी। ठीक है। वो आइसक्रीम सारी जिन्नी भी है अपने हाथों ना तैयार की, खुदाइया उन्होंने घर घूर ये वो सारे ठेके साढ़े को होंगे। ओके, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਠੇਕਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੁਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਅਸਕਰੀ ਚ ਲੁੱਟੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-7 ਲੁੱਟੇ ਸਰ ਅਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ? ਡਿਫੈਂਸ ਚ ਵੀ ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30 ਹੋਣੇ ਇਹਨੇ ਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਚ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ। ਲੋਰੋ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ? ਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ? ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਸਾਥ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਫਿਸਰ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਇਨਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰਦਾਤੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੋ, ਇਨਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ।